हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के मॉडल सेट पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन ईयर्स 2023, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री इतिहास है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि आप सभी का मॉडल पेपर आ चुका है, अभी एक एक मॉडल पेपर आया है, ठीक है, और एक एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम लोग पूरे तरीके से करने वाले हैं। आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सामान्य निर्देश क्या दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो है आपका 1.5 घंटा दिया जाएगा आपको, और इसमें 40 नंबर रहेगा। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य निर्देश जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। जैसे कि हम इस वीडियो में जो सॉल्यूशन बताने वाले हैं, हम अपना खुद अपने भाषा में लिखने का प्रयास किए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 भाग है एवं सभी भाग में निर्धारित संख्या के अनुसार प्रश्न उत्तर देना है। पहला जो सेक्शन का है वो आपका जो है वो 2 नंबर वाले रहे हैं, जो 5 प्रश्न रहेगा। सेक्शन खा में 3 नंबर वाले 5 प्रश्न और सेक्शन गा में 5 नंबर वाले 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये था सामान्य निर्देश। हम लोग अब इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे सेक्शन ये है ना, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो ठीक है, हम लोग जितना भी इसमें प्रश्न है हम लोग सब देखते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास आप शेयर करना ना भूलें। क्योंकि साथियों, हम आपके लिए इस तरह का मेहनत, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हम इस तरह का मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हमारे वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, हमें ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री सेट 1 और सेट सेक्शन ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इस तरह से लिख के आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। तो गोपुरम जो है मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। जो गोपुरम जो होता है, जो पुराने जमाने में विजयनगर शासक जो थे वो मंदिरों में एंट्री के लिए जो दरवाजा बनाया जाता था, और दरवाजे के ऊपर एक विशाल काय आप कह सकते हैं गुंबद, या फिर आप कह सकते हैं कि मीनार बनाया जाता था, उसी को गोपुरम कहा जाता है। तो अपने सिंपल भाषा में कह सकते हैं गोपुरम मंदिरों में प्रवेश द्वार को कहा जाता है, ठीक है। ये आप लिखिए, सिंपल सा है, बहुत अच्छा है। ये विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम बनवाया था, ठीक है। ये हो गया आपका, क्योंकि ये 2 नंबर वाले प्रश्न है तो हम लोग को शॉर्ट में लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, कि विजयनगर काल में एक प्रशासन की एक विशेष व्यवस्था को आंगर व्यवस्था कहा जाता है। इसके अनुसार क्या है कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था। प्रत्येक ग्राम, जितने भी ग्राम है उसको संगठित किया जाता था, ठीक है, जिस पर शासन के लिए बाहर शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस अधिकारियों को आंगर कहा जाता था, ठीक है। इस प्रकार से आप आंगर व्यवस्था से को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत आसान प्रश्न, और ये आप सभी के जुबान पे होगा कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ, और अमरकोट दुर्ग में, जो फिलहाल अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों का नाम लिखिए। तो जब देश की आज़ादी में 4 महापुरुष जो योगदान दिए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इसमें बहुत सारे महापुरुषों का नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे जो लिखा है देखिए इस प्रकार से है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दांडी किस राज्य में स्थित है, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो दांडी किस राज्य में स्थित है, तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। नवसारी जिले के एक छोटा सा गाँव में दांडी स्थित है, ठीक है ना, दांडी एक छोटा सा गाँव का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो साबरमती
रिवर के किनारे साबरमती नदी के किनारे व्यवस्थित था, ठीक है। तो इस प्रकार का इस प्रकार से आप इस प्रकार सेक्शन ए का सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, सेक्शन वन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए हम लोग फिर सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेके आते हैं, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए आप सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी को आप लिख लीजिएगा साथियों, बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इसीलिए सभी प्रश्न को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और इस जो अभी बताए अभी क्वेश्चन इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग सेक्शन बी लेकर आते हैं, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग सेक्शन बी में। जय हिंद।